नमस्कार मित्रों, मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु में। और आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लेकर चले हैं जिसका नाम डिटरमिनेंट। आज केवल दो मिनट के अंदर ही अंदर आप सीख जाएंगे डिटरमिनेंट होता क्या है और किस तरह से डिटरमिनेंट को हम निकाल सकते हैं एकदम एक्यूरेसी के साथ। सबसे पहले हम बात करें डिटरमिनेंट की बालक, तो डिटरमिनेंट ना किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड होता है। और डिटरमिनेंट आज हम सीखने वाले हैं 3x3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। फटाक से देखिए कैसे कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल पहले लिखा हुआ है, ये एग्जांपल हम लिख लेते हैं। एग्जांपल कुछ भी हो, 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके सामने होना चाहिए। करना क्या है बस वो देखो समझो, बिना कुछ सोचे समझे बिना पलक झपकाए जितने मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे हैं बच्चा सबको लिख दो ऐसे का ऐसा, सेम टू सेम ऐसे का ऐसा बिना गलती किए। और इसके बाद बिना भेदभाव के स्टार्टिंग की दो को फिर से लिख दो, तो हो जाएगा देखो 201 और इसके बाद वाला है 324। ये आपने क्या किया, ये आपने बना लिया विलन्स और हीरो। और अब यहाँ पे करवाना है केवल केवल आपको मार झगड़ा लड़ाई। कैसे करवाना है, ग्रुपिंग करो, एक ग्रुप में ये रहेंगे जो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक आगे वाले ग्रुप में भी एक जने रहेंगे और ठीक आगे वाले ग्रुप में भी एक जने ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब देखो ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम लोग, दो दूनी चार, चार तीन बारह, ये हो गया 12। फिर प्लस इस ग्रुप में कौन है, 301, जब 3 में 0 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 है तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। आगे देखो 404 है, 4 जो 16 होता है लेकिन 0 होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बालक। तो इधर का ग्रुपिंग जो आया वो आया 12, कितना आया 12। अब करना कुछ नहीं है, लड़ाई करने के लिए दो ग्रुप चाहिए तो एक ग्रुप इधर से बनाना शुरू कर दो। पहला ग्रुप, यह आ गया आपका सेकेंड ग्रुप और यह आ गया आपका थर्ड ग्रुप। पहचान याद रखना, और ये सिंगल रहेंगे, किसी का ये पक्षपाती नहीं है, किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 4 × 8 और प्लस 2 में 0 का मल्टीप्लाई इंटू 4। तो बालक ये बताओ, जो 2 में किसी का मल्टीप्लाई को लास्ट में 0 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल 0 हो जाएगा। थर्ड ग्रुप में 3 × 9 होता है लेकिन 0 होके ये भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ केवल कौन बचा, 8। और करना कुछ नहीं है, पहला ग्रुप आया था 12, दूसरा ग्रुप आया 8, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आएगा जितना उतना आएगा इसका डिटरमिनेंट। इसको चाहे तुम जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल के देख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत ही आसान तरीका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।